नमस्कार दोस्तों, वैदेही की बगिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है अर्थवॉर्म्स यानी केचुए। तो केचुए अगर आपके ज़मीन में हैं तब तो आपने सुना होगा कि जिस जगह पे केचुए सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ की ज़मीन। और जहाँ पे केचुए कम होते हैं वहाँ की ज़मीन बंजर होती है। बंजर मीन्स बंजर नहीं कहेंगे कि यहाँ कम उपजाऊ होती है, लेकिन अगर केचुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आपके देखिए ज़मीन में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गमले में केचुए हैं तो बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि गमले में अगर केचुए हैं तो कहीं वो हमारे पौधे को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यही विषय है कि अगर आपके गमले में केचुए हैं तो आप वो आपके पौधों के लिए नुकसानदायक हैं या फ़ायदेमंद हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हाँ मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके गमले में केचुए हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अगर गमले में है तो वो नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन फिर मेरे एक अंकल हैं जो केविके में हैं तो उनसे जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर गमले में भी केचुए हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए और उसको आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, मैंने उनकी बात मानी और मैंने उन गमलों अपने कई सारे गमलों में उनको मल्टीप्लाई किया, तो उसका रिज़ल्ट जो मुझे देखने को मिला वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस कि अगर आपके गमलों में केचुए हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कि अगर आपको मिट्टी इसकी कि गमलों की मिट्टी आपको हल्की भुरभुरी सी दिखे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें ढंग से दिख नहीं रहा है, एक्चुअली थोड़ा अंधेरा पड़ रहा है अभी। ये देखिए, इस ये देखिए आपको ये मेरे गमले में केचुआ दिख रहा होगा छोटा सा। तो इस तरह की भुरभुरी सी मिट्टी अगर आपको गमलों में दिखे ऊपर, जैसा आप देख सकते हैं, जैसा नज़र आ रहा होगा, तो आप समझ जाइए कि आपके गमले में केचुए हैं। और वो जब हम गुलाई करते हैं तब वो दिखते हैं, अदरवाइज़ वो अंदर छिपे रहते हैं, बस मिट्टी ऊपर से हल्की सी भुरभुरी भुरभुरी सी होती है। तो दरअसल जो होती है वो मिट्टी भुरभुरी भुरभुरी सी, वो होती है केचुए की खाद, जिसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, और वो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है फ्रेंड्स। और अगर आपके केचुए हैं गमले में तो आपको उस खाद को बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नेचुरली कंपोस्टिंग करते रहते हैं। तो अगर आपके गमले में केचुए हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि नेचुरली कंपोस्टिंग होगी, उसमें नेचुरली केचुए की खाद वो इकट्ठा होती रहेगी, क्योंकि जैसे ही केचुआ मिट्टी खाता है और फिर जो पूप करता है तो वही उसकी खाद होती है। तो इसमें पहली बात तो आपको ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और वर्मी कंपोस्ट अपने आप में कंप्लीट फूड होता है किसी भी पौधे के लिए। तो सबसे फ़ायदा तो यही है कि आपको वर्मी कंपोस्ट अपने आप मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये आपकी मिट्टी को पोरस बनाते हैं, ये अंदर ही जब ये पूरे में घूमते हैं, मिट्टी में ही घूम घूम के ये खाते हैं, पूप करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, पौधे की जड़ों में एरिएशन होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके पौधों को ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधों को जड़ों को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका प्लांट नेचुरली ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स, तीसरा फ़ायदा ये है कि जब आपके गमले में ये होंगे केचुए होंगे तो वो मिट्टी को भुरभुरी करेंगे और उसका जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखते हैं। मॉइस्चर मेंटेन होने से आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो उसमें रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा अगर आपके गमलों में होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं डालना पड़ता होगा, उसका मॉइस्चर वो मेंटेन करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो आप जानते होंगे कि अगर आपके गमले में ये हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी पड़ेगी। और मैं तो यही कहूँगी कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास ये केचुए हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। एक गमले में हैं, जैसे मेरे पास एक गमले में था तो मैंने कई सारे उसमें थे छोटे छोटे से, तो मैंने उनको निकाल निकाल के अपने सारे गमलों में डाल दिया था। तो मेरे फ्रेंड्स, लगभग जो नीचे मेरे शेडी एरिया में हैं आप देख सकते हैं, लगभग सारे में मेरे ये केचुए अपने आप हो गए, ढेर सारे हो गए वो,
और मुझे इसमें साल में मैं सिर्फ एक बार खाद देती हूँ और बाकी मुझे इसमें खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आपके गमलों में भी हैं केचुए, और आप मेरे फ्रेंड्स, आपने मेरा एक्जोरा का भी स्टार्टिंग में जो प्लांट देखा उसमें आपने देखा कि कितने अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट की वजह से ही हो पाया, क्योंकि वो उसमें केचुए हैं, मुझे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसमें, और कितने अच्छे फ्लावर्स हैं उसके। तो फ्रेंड्स आपके भी अगर केचुए हैं गमलों में तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करिए और उसका आप रिज़ल्ट खुद देखिए। तो बस फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।